So, hello students, this is question number 4, IIT JAM 2023. ये question आपका किस topic से? Again sampling. Again students, ये question आपका है topic sampling से. Sampling का question है. और सबसे बड़ी बात है कि आपको probability find करनी है y less than equal to 2 and you don't have table with you. आपके पास table नहीं है. So, मतलब आपके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, आपको इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा. थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी आपकी, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो देखिए, आपको सबसे पहले याद करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा पीडीएफ, पीडीएफ ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो पीडीएफ ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका एफ ऑफ एक्स, अगर मैं लिखूं बेटा एन वन बाय एन टू, एन वन बाय टू x की पावर n1 अपॉन n2 माइनस 1 अपॉन बीटा n1 n2 1 प्लस n1 बाय n2 x की पावर n1 प्लस n2 बाय 2 वेयर x इज ग्रेटर देन 0. एक बार चेक कर लो स्टूडेंट्स, क्या आपका फॉर्मूला ठीक है कि नहीं है. n1 बाय n2, n1 मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एफ एन वन कॉमा एन टू, एन वन एन टू आर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, तो दोनों के दोनों ही डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है हमारे. तो अगर दोनों के दोनों ही डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं तो देख लीजिए आप इसको, ठीक है. चलिए देखिए नेक्स्ट आप सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों, येलो कलर से करते हैं. तो पहले फंक्शन ढूंढ लेते हैं. अब इस क्वेश्चन में ढूंढो एन वन, एन वन फोर है और n2 2 है, याद हो 4 by 2 x की बार 4 by 2 माइनस 1. अच्छा यहां पे 2 है, सॉरी डिवाइड ना, तो बीटा 4 by 2 2 by 2 1 प्लस 4 by 2 x की बार 4 plus 2 by 2. तो इस तरह से आपके पास पहले पीडीएफ आएगा इस क्वेश्चन. 2 to the power 2 is 4, 2 minus 1 is x upon beta 2 comma 1, 1 plus 2x ki power 4 to 6, 3. So this is the PDF. Ab isme beta 2 1 ki students aapko solve karna padega thoda sa. Beta 2 1 ki value ho jayegi 1 by 2. Kaise hogi wo aapko pata hai, gamma 1, gamma 2 upon gamma 3. So wo bhi 1 by 2 ho gayi. So matlab ye 8 हो गया. This is 8x. If I remove this, तो हम इसी पे रहने देते हैं, कोई बात नहीं. तो 4 ही रहने देते हैं, आगे नहीं देते. 4x था तो आपका f of x आ गया 8x upon 1 plus 2x का cube where x is greater than 0. ये हो गया आपका PDF. मांगा क्या क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 2 मांगा. तो आप ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन 2 ये निकाल सकते हैं. तो y ग्रेटर देन 2 निकालना थोड़ा इजी पड़ जाता है क्योंकि लिमिट इनफाइनाइट आ जाती है इसमें. तो 8x अपॉन 1 प्लस 2x का क्यूब dx, प्लीज इसको इंटीग्रेट कर लीजिए. 1 प्लस 2x आपका t हो जाएगा और आप कर पाएंगे इसको. तो मैंने सारा लगभग आपको आईडी बता दिया कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ये. तो आपका जो लास्ट में इसमें आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो 0.64 आना चाहिए, और ये जो इंटीग्रेशन आंसर है उसका आंसर 0.36 आना चाहिए. तो ये तो आपको देखो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, इतना तो आपको बच्चे थोड़ी मेहनत, क्योंकि आप आईआईटी जैम जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. तो ये सॉल्यूशन है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था तो आपने फॉर्मूला बनाया है मेरे बच्चों. तो अगर आप फॉर्मूला बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, एन वन बाय टू एन टू बाय, वैसे तो याद हो गया होगा फॉर्मूला एक बार देखने में, ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 4 है.